हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आडिबेंस। सो गाइस, अगर आपको ज्ञात हो तो मैंने अपने चैनल पे आप लोग को एक अपडेट दिया था, जहां कि मैंने आप लोग को CITS एग्जाम्स रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दिया था, जहां कि वो सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के अपडेट्स थे, जिसका कि मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ यहाँ पे। तो गाइज़, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ देख लीजिए, मैंने यहाँ पूरा जो रूटीन था, जो कि आप लोगों के था, यहाँ पे सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स के जो रूटीन थे, पूरा यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करके सभी चीज़ों के बारे में बताया था कि आप लोग के हॉल टिकट कब आएंगे, एग्जाम्स कब होंगे, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, परीक्षा किस डेट से होने वाला है, सभी का डिटेल वीडियो इस वीडियो में बता रखा हूँ। इस वीडियो को जरूर आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट डेट्स और जितनी भी चीज़ें आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में खासकर कि आप लोगों के जो है फॉर्म्स जो फिलअप हो रहे हैं और उसका जो रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन के क्या चार्जेस हैं और क्या वो लिंक एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन क्या कर पाइएगा अभी, मतलब कि फीस का जो पेमेंट करना होगा आप लोग, आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम होगा तो आपको जो है फीस पेमेंट करना पड़ेगा, तो फीस पेमेंट क्या आप लोग कर पाइएगा, उसके लिए हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके पहले गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है चैनल पे आप लोग की सुविधा के लिए यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं CITS एडमिशन रिलेटेड, और इसमें आपका AD जो आपका ये है आपका IBM का जो कोर्स चल रहा है एडवांस डिप्लोमा वाला, वो वाला भी इसमें सारा चीज अपडेट्स मिलता है यहाँ पे, प्लस CITS एडमिशन लास्ट ईयर का, इस बार का भी पूरा अपडेट, सारा कुछ विथ जो है आप लोग का CITS का चाहे IIT का प्रैक्टिकल का भी जितना वीडियोस है सब यहाँ पे अवेलेबल आप लोगों को मिलेगा। चलिए हम लोग वहाँ पे सीधे पहुँचते हैं, जो कि आप लोगों का ये है नीमिक जो ऑनलाइन एडमिशन जो वेबसाइट है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, कैसे आप लोग पेमेंट कीजिएगा देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग जो है nimionlineadmission.in पे आप लोग चले जाइएगा। देखिए ये चीज़ें जो है आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिंक मिल जाएगा आप लोग को, CITS सप्लीमेंट्री एग्जाम रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट लिंक, ठीक है, ये लिंक मिल जाएगा। आप जो है एक बार अपने कॉलेज जरूर संपर्क कर लीजिएगा, जहाँ भी आपका एडमिशन था वहाँ एक बार आप लोग जरूर अपना बात कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी देखिए जो होता है ना, मतलब कि ये तो फीस पेमेंट की बात है, उसके साथ ही साथ कहीं आपका पिछले बार जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क कहीं जो है फेल नहीं तो नहीं कर दिया गया था, उन चीज़ों को भी आप लोग अपना जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा कॉलेज से मिल करके, ठीक है। प्रैक्टिकल वगैरह सारा मार्क्स में आप लोग पास आउट हैं या नहीं, उस सब चीज़ को एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो उन चीज़ों का भी आप लोग एक बार बात कर लीजिएगा कॉलेज में, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फीस पेमेंट कैसे होगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है कि इस जो लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो है आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर उसमें जुड़ जाइएगा, ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग किस तरह मिलते रहे, और 2022 का जो एडमिशन होगा उसका भी सारा अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पर जैसे क्लिक है, करेंगे क्लिक, तो यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सिंपली आप लोगों को जो है इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, AITT 2022 सप्लीमेंट्री एग्जाम फीस पेमेंट लिंक। यहां आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका CITS ऐसे करके जो शुरू हुआ CITS 20AU करके जो होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे सर्च कीजिएगा आपका यहाँ पे जो है डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है, कि आपका कौन सा पेपर में बैक था, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी, और वहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स भी आ जाएगा, ठीक है, नेम, फिर फादर्स नेम, ये सभी डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आने के बाद आपको जो है सिंपली वहाँ पे पेमेंट करना होगा, कितना पेमेंट करना होगा देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, और ये जो लिंक है एलिजिबल कैंडिडेट्स, देखिए यहाँ सभी बातें का यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि CITS कैंडिडेट ऑफ एक्स फील्ड या फिर एबसेंट कैंडिडेट ऑफ AITT ऑफ क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, मतलब CITS एनुअल कंडक्ट कब हुआ था, ये जो नवंबर दिसंबर 2021 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें जो भी फेल कैंडिडेट्स थे, ठीक है, उनके लिए ये वाला एग्जाम हो रहा है, ठीक है, मतलब कि एक्स फेल या फिर एबसेंट कैंडिडेट्स, मतलब फेल वाले सप्लीमेंट्री वाले या फिर जो एबसेंट रह गए थे उनके लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो निमी एग्जाम पोर्टल यही वाला जो है यहाँ पे करना होगा, और फिर जो है आप लोगों का बिना इसके जो है मतलब हॉल टिकट जनरेट नहीं होगा, ठीक है। हॉल टिकट का कब से आने वाला है वो डेट भी आप लोगों को मैं बताया हुआ था, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें 6 तारीख का डेट दिया हुआ, 13 से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि आपका हॉल टिकट जनरेट नहीं हो रहा है, तो आप इस केस में ये जो नंबर है नंबर नोट आउट कर लीजिए, ठीक है, मिस्टर कार्तिका और फिर अनूप वासनिक, ये दो नंबर कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी समाधान अपना ले सकते हैं, मतलब कि हेल्प ले सकते हैं। देखिए फीस की बात कर ले हम लोग, यहाँ पे कितना देना पड़ेगा आपको, तो देखिए यहाँ पे जो है 100 रुपया जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और OBC का भी यहाँ 100 रुपया होगा जो कि फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, अगर आपने फर्स्ट अटैम्प्ट दे रखा है, ठीक है, तब तो आपको जो है सेकंड अटैम्प्ट देना पड़ेगा, अगर आप फेल हो गए फिर भी फर्स्ट अटैम्प्ट देने के बाद भी अगर फेल हो गए यहाँ तो आपको 200 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन आपका अगर फर्स्ट अटैम्प्ट है सप्लीमेंट्री का तो आपको 100 रुपया यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से ST कैंडिडेट के लिए यहाँ 25 रुपया है फर्स्ट पेमेंट के लिए, फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, और सेकंड अटैम्प्ट के लिए यहाँ पे 50 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा इंटरफेस और पूरा प्रोसेस जो है ITI का जब मतलब जो फीस पेमेंट हुआ था उसका मैं वीडियो बनाया था, तो बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा कि कैसे वहाँ पे पेमेंट होता है, और सिंपली आपको कुछ नहीं है जो है नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड इन सभी चीज़ों से आप पेमेंट कर पाइएगा अपना, और बेसिकली कुछ नहीं होता है वहाँ पे, जो है आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको ईमेल भी कन्फर्मेशन आएगा, ठीक है, ईमेल पे आपको कन्फर्मेशन आ जाएगा और आपका फीस पेमेंट हो जाएगा। उसको आपको रख लेना है आगे फ्यूचर के लिए, कभी मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम आया तो कभी मेल करना पड़ा कि मान लीजिए आपका हॉल टिकट नहीं आया, तो उस केस में आपको वो जरूरी होगा, ठीक है। तो ईमेल
पे आपका वो सभी चीज़ चल जाएगा और आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा। होपफुली गाइज कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है समझ में आ गई होगी, और जो भी रिलेटेड अपडेट्स हैं सारे अपडेट्स आप लोगों को टाइम टाइम प्रोवाइड करता रहूँगा, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों तक जो है वीडियो को, आप जो चैनल को भी मतलब कि शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग को भी जानकारी हो, चैनल को मोटिवेट कीजिएगा कम से कम चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि यहाँ पे जितनी अपडेट्स है, देखिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के बहुत कम ही चैनल आप लोगों को मिलेंगे जो कि ये चीज़ों को मतलब कि प्रमोट करते हैं और जो है मतलब करने के लिए उत्साहित करते हैं। ठीक है, तो कुछ चैनल हैं बहुत गिने चुने चैनल हैं, अगर आप लोग समर्थन नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारा भी मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है और हम लोग भी जो है कहीं ना कहीं आप लोग से ही हैं, तो आप लोग का कर्तव्य दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलेंगे आप लोग से अगली जानकारी में, तब तक के लिए आप लोग का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।